गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम रजनीश अग्रवाल है और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वेस्टीज का शार्प वाटर प्यूरिफायर के बारे में जानकारी दूंगा। इसमें बिल्कुल शुद्ध पानी मिलता है। आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारा वेस्टीज का शार्प वाटर प्यूरिफायर इंडिया में ही बन रहा है। तो जैसे हमारे देश में वोकल फॉर लोकल पे जोर दिया जा रहा है, तो ये हमारा इंडिया का मेड इन इंडिया फिल्टर है। वेस्टीज के शार्प वाटर प्यूरिफायर में आपको मिलते हैं 6 स्टेज प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें सबसे पहला फिल्टर है प्री सेडिमेंट फिल्टर। जो पानी में सेडिमेंट्स होते हैं, टैप वाटर में आते हैं, वो हटाने का काम करता है। और एक खास बात है कि ये आप टाइम टाइम पे इसको वॉश भी कर सकते हैं, जिससे कि फिल्टर की लाइफ ज्यादा हो जाए। इसके बाद मिलता है आपको कार्बन ब्लॉक फिल्टर, जो पानी में अगर किसी भी टाइप के केमिकल के टॉक्सिन्स है या पानी में कलर है, उसको ये हटाने का काम करता है। इसके बाद आपको पीपी फिल्टर मिलता है। पीपी फिल्टर में जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं पानी में, जैसे जिनका साइज 5 माइक्रोन तक का है, जैसे सैंड है, मड है, आयरन है, ब्लीच है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो पानी को अशुद्ध बनाते हैं। ये पीपी फिल्टर उन पार्टिकल्स को भी हटा देता है। इसके बाद आता है आरओ फिल्टर। आरओ फिल्टर में हमारी हाई क्वालिटी की डीओडब्ल्यू डाओ आरओ मेम्ब्रेन लगी हुई है, जो एंश्योर करती है कि आपका 50% तक पानी रिकवर हो जाए। नॉर्मल वाटर प्यूरिफायर में केवल 30% पानी रिकवर होता है और 70% का वेस्टेज होता है। जैसे आप सबको पता है कि पृथ्वी में पानी खत्म होता जा रहा है, तो ये कि नेचर के लिए भी हम इस फिल्टर का यूज कर सकते हैं, जिससे कि कम से कम पानी का वेस्टेज हो। इसके बाद आती है डिस्ट्रप्टर टेक्नोलॉजी। एक यूनिक टेक्नोलॉजी है जो पानी की क्वालिटी और पानी के टेस्ट को अच्छा करती है। देखिए, नॉर्मली जो फिल्टर्स में आपको मिलता है और जो अदर कंपनीज के आरओ फिल्टर्स होते हैं, आरओ वाटर प्यूरिफायर्स होते हैं, उसमें केवल आरओ फिल्टर तक होता है। उसके बाद पानी सेव हो जाता है, पानी एक स्टोर हो जाता है। जब हम नल खोलते हैं तब पानी निकलता है, लेकिन काफी टाइम तक वहां पानी स्टोर रहता है। तो आप सोच सकते हैं कि पानी जब स्टोर रहेगा किसी भी जगह पे, चाहे वो कुछ ही मिनटों के लिए रहे या कुछ ही घंटों के लिए रहे, तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज डेवलप हो सकते हैं या बैक्टीरिया या वायरस डेवलप हो सकता है। लेकिन हमारे में एक डिस्ट्रप्टर टेक्नोलॉजी है। आरओ फिल्टर के बाद भी डिस्ट्रप्टर टेक्नोलॉजी से वो क्वालिटी मेंटेन रहती है और बैक्टीरिया या वायरस जनरेशन का कोई पॉइंट नहीं होता, कोई नहीं होता। उसके बाद एक और टेक्नोलॉजी है, यूवी एलईडी स्टेरिलाइजेशन। देखिए, यहाँ पे एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो आपको एक और लेवल का फिल्ट्रेशन देती है। ये टेक्नोलॉजी हर 2 घंटे बाद 30 मिनट का एक प्यूरिफिकेशन चलाती है, जिससे कि आपको लास्ट तक एक प्योरेस्ट वाटर मिले। तो ये 6 स्टेज की टेक्नोलॉजी जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, ये आपको मार्केट के किसी भी प्यूरिफायर में नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि आरओ से साफ होने के बाद भी आपको 2 स्टेज का फिल्ट्रेशन प्रोसेस मिल रहा है। तो जो एलईडी यूवी स्टेरिलाइजेशन है, ये टैंक में होता रहता है हर 2 घंटे बाद और ये आधा घंटे तक चलता है, जिससे अगर फिल्टर्ड पानी में भी कुछ कंटेमिनेशन हो गया है, कुछ बैक्टीरिया वायरस जनरेट हो गया है, तो उसको भी ये डीकंटेमिनेट करता है। और ये एंश्योर करता है कि आपको 24 घंटे किसी भी टाइम आपको प्योरेस्ट पानी मिल सके। और डीओ डब्ल्यू आर ओ मेम्ब्रेन का फायदा, जैसे मैंने बताया था, देखिए हम नेचर के लिए भी एक अच्छा काम कर सकते हैं कि इसमें ड्रेनेज कम होगा, क्योंकि 50% तक ये पानी रिकवर कर लेगा, जबकि मार्केट के अदर प्यूरिफायर्स में केवल 30% तक वाटर रिकवर होता है और 70% पानी वेस्ट होता है। इसके साथ साथ कुछ और चीजें मैं शेयर करना चाहूंगा आपको। इस प्रोडक्ट के साथ 1 साल की वारंटी मिलती है, जब भी आप इंस्टॉल करेंगे उससे 1 साल तक आपको वारंटी मिलेगी। और टीडीएस ये 2000 पीपीएम तक का भी टीडीएस को सही कर सकता है और उसको 100 से नीचे ले आएगा, बल्कि जो हमारे वाटर प्यूरिफायर का टीडीएस है वो 10 या 15 होता है। अब काफी लोग सोचे हैं कि 10-15 टीडीएस होगा तो उसमें मिनरल्स तो बिल्कुल होंगे ही नहीं, लेकिन देखिए मिनरल्स ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पानी में ही लें। और आप जो टैप वाटर या आरओ का वाटर यूज कर रहे हैं, वो कहीं बहुत इम्प्योर जगह से भी आ सकता है, मतलब कहीं इम्प्योरिटी होती है। तो मिनरल के साथ आप खाली मिनरल ले रहे हैं या इम्प्योरिटी ले रहे हैं, वो कोई टेस्ट नहीं है, वो अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। तो बेटर है कि आप प्योरेस्ट पानी लें, और मिनरल्स नो डाउट बॉडी के लिए काफी जरूरी होती है, लेकिन मिनरल्स आप सप्लीमेंट्स से भी ले सकते हैं।
ये, और ये ध्यान रखें ये केवल डोमेस्टिक यूज के लिए है, कॉमर्शियल यूज के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और जो भी रिप्लेसमेंट फिल्टर्स होंगे वो आप शार्प के ऑथराइज सर्विस सेंटर से ले सकते हैं। तो एक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि हमारे जो फिल्टर्स की लाइफ कितनी है। जो हमारा पीपी फिल्टर है वो 3 से 6 महीने तक चलता है, जो हमारा सीबी फिल्टर है कार्बन वाला फिल्टर है वो 6 से 8 महीने चलता है, और आरओ मेम्ब्रेन 2 साल तक चलती है। एएफ डिस्रप्टर फिल्टर ये 8 से 12 महीने तक चलती है, और एक्सटर्नल सेडिमेंट फिल्टर जो सबसे फर्स्ट स्टेज का फिल्टर होता है वो 3 से 6 महीने चलता है। तो ये आप शार्प के ऑथराइज सर्विस सेंटर से ले सकते हैं। बाकी एक टेस्ट हुआ था हमारे पानी का, देखिए टीडीएस में मिनरल्स का जो टेस्ट आपको बता ही दिया है कि हमारे में कितना कम आता है टीडीएस, उसके साथ साथ पानी में टीडीएस के साथ साथ मिनरल्स के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया वायरस भी हो सकते हैं और कुछ इम्प्योरिटीज भी हो सकते हैं, जिसका ये टेस्ट आपके सामने है जो दिखाता है कि आपको कितना शुद्ध पानी मिलता है वेस्ट चीज के शार्प वाटर प्योरीफायर से। तो एक ये बेंचमार्क टेस्ट रिपोर्ट है जो आपको काफी मदद करेगी, आपको अंदाजा दिलाएगी कि हमारे यहाँ कितना सेफ पानी मिलता है। तो ये पेस्टिसाइड का एक टेस्ट है, पेस्टिसाइड बिल्कुल डिटेक्ट ही नहीं हुई, जबकि वो एक्सेप्टेबल लिमिट 0.01 मैक्सिमम होती है, लेकिन हमारे वाटर में हमारे पानी में डिटेक्ट ही नहीं हुई। ये बहुत सारी चीजें हैं, उसके साथ साथ ये और टेस्ट हैं, और जो बैक्टीरिया है ई कोली और वायरस जो है वो भी 99.99% रिड्यूस हुआ। तो आपको शुद्ध पानी मिलता है। अगर आपके घर में अभी भी वेस्टीज का शार्प वाटर प्यूरिफायर नहीं है तो आप शार्प वाटर प्यूरिफायर आज ही ऑर्डर करिए। इसमें बहुत ही आकर्षक स्कीम चल रही है, साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट फ्री ईएमआई का भी ऑप्शन है। आप ईएम आसान किस्तों में, बिना ब्याज की आसान किस्तों में भी ये ले सकते हैं। तो थिंक शार्प, ड्रिंक शार्प, आपकी परिवार की सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है, और उन्हें शुद्ध पानी पिलाइए जिसके जिससे कि आप अपने घर में बीमारियों का आना रोक सकें। तो आज का वीडियो यहीं तक था, थैंक यू ऑल, विश यू वेल।